ओके शुरू। ओके सारे भाई, ये ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई अभी तक 1.5 साल जो मैंने चैनल बनाते हुए ना, पहली बार मैं रणदीप सुरजेवाला जी के घर के सामने खड़ा हूँ। पहली बार यहाँ की वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, नहीं तो भाई 90 की 90 विधानसभा पर मैं वीडियो बनाया हूँ। पहली बार ऐसा मौका आया और इतनी गैदरिंग, विशेष क्या स्पेशल क्या, सारे दिन तक करने लग रहे हैं। मेरे भाई हैं यहाँ पे, इनसे मिलना। भाई साहब राम राम। राम राम जगदीप भाई, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया। अच्छा भाई साहब, सीधी सी बात ये कि कौन कौन से पद क्या क्या कुछ रणदीप जी को मिला है? रणदीप जी को भाई साहब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय महासचिव जी CWC के सदस्य है, और सोनिया जी ने कल और अलग कमेटी बनाई है, 6 सदस्यीय है, जो कांग्रेस पार्टी को चलाएगी। कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ क्या हो, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड हो, कांग्रेस पार्टी को आगे लेके कैसे जाया जाता है, उसका नाम है सलाहकार समिति। ओके। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उस सलाहकार समिति में भी हैं, 6 सदस्यीय है, और मीडिया इंचार्ज रणदीप जी पहले हैं ही जी कांग्रेस के, और कर्नाटक के इंचार्ज और रणदीप जी को जिम्मेवारी दी है। तो कुल मिलाकर 7 पद इस समय रणदीप जी के पास कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय लेवल पे। भाई ये सच में बहुत बड़े लेवल की बात है, यूं ही नहीं कि भाई कोई तैयारी कर रहे हैं वो कवर करने लग रहे हैं ना, ये इतने बड़े पद मिलना। मैं मोटी सी भाषा में समझाऊं, पूरे देश में 6 आदमी कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचेंगे जी, उनमें रणदीप सुरजेवाला जी का नाम है। कांग्रेस की नीतियां क्या होंगी, क्या होंगी, क्या स्टैंड होना चाहिए पार्टी का लोकसभा में, लोकसभा के बाहर किसी मुद्दे पे, वो हर चीज़ तय करेगी। वो कांग्रेस अध्यक्ष की सलाहकार समिति है जो हर मुद्दे पे कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देगी और उस सलाह को आगे लेकर के कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड बनाएगी। क्या बात है भाई, सच बात है, बहुत बड़े लेवल की बात है। मेरे ख्याल से एक राज्य का CM बनना, उससे बड़ी बात यह है जी भाई साहब, चीफ मिनिस्टर बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना, विधायक बनना, सांसद बनना, ये जनता के आशीर्वाद से और पार्टी के आशीर्वाद से चलता रहता है। रणदीप जी 1996 से विधायक बनते आ रहे हैं, और आप देख रहे हो सारे साथी जो खड़े हैं, माहौल भी देखा, हाँ रास्ते में भी देखा आपने, सुरजेवाला साहब के साथ आज से नहीं, कोई 1996 से, कोई 98 से, कोई 2000 से, कोई 2005 से, ये साथी बहुत लंबे समय से इनके साथ हैं, इनकी नीतियों के साथ हैं, इनके अंदर एक काम करने की चाहत है, अपने इलाके को आगे लेके जाने की चाहत है, अपने ज़िले को, अपने प्रदेश को आगे लेके जाने की चाहत है। रणदीप जी आज भी लगभग 17 से 18 घंटे काम करते हैं पार्टी के लिए, जब वो सत्ता में होते हैं तो 17 से 18 घंटे वो प्रदेश के लिए काम करते हैं। आज भी रणदीप जी कहीं जाते हैं तो उन्हें कोई अच्छी किताब, कोई अच्छी बात या कोई साथी उनसे मिलता है और वो आगे ले कर जाने की कोई बात करता है तो बड़े ध्यान से उस बात को सुनते हैं और उसमें कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी ऐड करके उसको लागू करते हैं, उनकी सोच कुल मिला के आगे बढ़ने की जी। मेरे साथ मेरे भाई मेरे मित्र हैं जो जीन में हम अक्सर बैठ कर बात करें और बड़े शालीनता से इनका बात करने का अंदाज है और मैंने बड़ा पसंद है। भाई साहब राम राम। राम जी, पंडित जी कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया जी, आप कैसे हो जी? बिल्कुल। कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। आपने मॉल भी देखा होगा, आप ये मान लो कि 20 किलोमीटर के लगभग का लंबा रोड शो था और कुंडली बॉर्डर से लगातार 56 जगह उनका स्वागत हुआ है। अरे 30 जगह का डिसाइड हुआ, 56 जगह हुआ, जो 56 भोग जो लगा देख लो पंडित जी, आप कितना लोगों में जोश, कितनी तादाद में युवा साथ थे, कितनी तादाद में गाड़ियां थी उनके साथ, महिलाओं ने भी स्वागत किया है जी। भाई साहब हाँ जी, हाँ जी सर, हमारे साथी है बलजिंदर ठरवी जी जी, किसान कांग्रेस के फतेहाबाद से अध्यक्ष हैं। ओके सर, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि आज जो रणदीप जी को जिम्मेवारी मिली है, इनकी काबिलियत के आधार पर कांग्रेस पार्टी इनके ऊपर विश्वास जताता है। कोई सिफारिश नहीं है इस काम में, ये इनकी काबिलियत और इनका विश्वास, इनका जो पार्टी में काम करने का तरीका है उसी की काबिलियत के देखते हुए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इनको इतनी बड़ी जिम्मेवारियाँ सौंपी हैं और पूरे हरियाणा चाहे समझो रुक ही पट रहे। सही बात है, कैंडिडेट मजबूत आएगा, आप बैठे थे बाहर जीन से, आपने पूछा था बहुत मजबूत कैंडिडेट आएगा, आपको आज भी बता रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला एक दिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे जल्दी। तो मैं भी ये बातें और लोगों से पूछ, हाँ 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 जरूर जरूर, ठीक है भाई साहब धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। और जी कैसे हो जी आप? बहुत बढ़िया जी। अच्छा रणदीप जी यहाँ से मुलाकात हुई आज?
वहाँ मिले थे तो बड़ा अच्छा लग गया एकदम से, हमें बड़ी खुशी है। ये कैथल के लिए और हमारे सब भाइयों के लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका है, हमें इस चीज़ की बहुत बड़ी खुशी है। राम राम ताई। ताई ठीक ठाक। अच्छा सुरजेवाड़ा जी की बात में हो, और किस टाइम के खड़े हो? मैं तो 4 बजे आ गई थी, फिर मैं तो टोल प्लाजा आई गुटी पे। अच्छा अच्छा, फिर मिले रणदीप जी अभी तक? ना उते राम राम हुई है फिर पूरे। अच्छा, भी यहाँ पे उनके साथ चाय पी के जाओगे आराम से? हाँ, चाय पी लेंगे, बोल के बतला के फिर जाओगे। राजी खुशी। हाँ, 4 बजे के बैठे हो, दिहाड़े तो पूरे करने हैं। ना दिहाड़े की रे भाई, साडे नेता वास्ते दिहाड़े थोड़ा नहीं। अच्छा, कोई दिहाड़े नहीं ना साडे वास्ते, थोड़ा करके ने दो तो बच्चे लगा रखे ने मेरे दिहाड़े 10 खास वास्ते। भैया बात ना कोई रिकॉर्ड हो है ना, हो ही जाने दे फिर वो 10। चलो भाई, राम राम। राम और जी कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, के कुछ कहना है रणदीप जी बाबा? भाजी मैं कुछ नहीं कह सकता, सॉरी। ना रुक जा यार, मैं तो ट्रक ड्राइवर हूं भाई, ट्रक ड्राइवर। अच्छा, और भाई जी राम राम। राम राम भाई, क्या कुछ कहना है? देखिए, क्या कहना ये है कि जो आज पूरा देश के महासचिव बने हैं कांग्रेस कमेटी के जी, और कई पदों पर आए हैं बड़े, तो बड़ी खुशी है। तो हल्का कलायत में और कैथल जिला में, पूरा हरियाणा प्रदेश में, और आज इतनी भीड़ है कैथल में कि पूरे प्रांत से आए हैं सभी साथी, और हमें खुशी मिली है बहुत ज़्यादा कि महासचिव बन करके ये पूरा देश की राजनीति को चमकाएंगे और देश को बचाएंगे और मोदी सरकार को भगाएंगे। क्या बात है, वाह जी वाह। सर मैं भी कुछ कहना चाहता। हाँ जी, बोलो बोलो। मतलब जो आपने जीडीपी का देखा ना, 15 सेकंड में के बोल उसको, वो बोल दो। क्योंकि मैंने सबके बाइट लेने की कोशिश करनी है। सभी युवा पीढ़ी और सभी मोदी सरकार से पूरी तरह रच चुके हैं, यानी कि जो देश में बेरोजगारी फैलगी ना, तो इससे बड़ा कुछ भी अभी साफ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को हमें उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और भाई साहब क्या कहना आपका? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को जगदीश शर्मा जी साधुवाद देना चाहूंगा। क्या बात है, राजनेता की भाषा आ रही है सामने। बिल्कुल जी। मैं चाहूंगा जी, एक बात हमने देखी है कि कैथल जिले में सिर्फ रणदीप सिंह सुरजेवाला ही विकास करवा सकते हैं, बकायदा कोई नहीं करवा सकता भैया। मैं यही कहता हूँ, क्योंकि हमने पहले भी देखा, आज भी देखो, और आप तो सर्वे करते हो बड़े भाई। भाई राम राम। भाई और क्या भाई? बढ़िया भाई, ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी। अच्छा, ऑन ड्यूटी। हाँ भाई, रहे और क्या ज्ञान है इन्हें तो मैं पकड़ लूँगा। सारे भाई ने पहला और राम राम भाई साहब। दूसरी बात भाई साहब, इस अध्यादेश जो युग किसान व्यापार मजदूर युमारा खिलाफ छेड़े नहीं, मैं इस तरह नाराज हम। तीन अध्यादेश है। हाँ, वे तीन अध्यादेश के नाम बता दे सेट दी भाई। जो व्यापार तमरता तोड़ना चाहे नहीं है, मैं उसका खिलाफ हूँ। मर आरतिया बिना नहीं सरदा। नाम बता दे यार। अध्यादेश का नाम नहीं बेरा। अच्छा 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 भाई। हाँ, मतलब किसान सीधी खेती फसल बाड़ी अपनी बैर बेचा है जी। उसका मैं खिलाफ हूँ भाई साहब। आरतिया बिना माना नहीं सरदा है दाना एक भी। वे मारी सहायता कर सका थोड़ी घनी कंपनी, खेती बाड़ी का खर्चा दे सका है। मर हारी बीमारी आएगी उसका पूरा कौन पड़ा भाई। आरती ने रहना फोन कर दिया, मन 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, दर्द दिन मिल जाए भाई उनका खिलाफ मैं रहना चाहो। हाँ बिल्कुल भाई, यह हमारा जमा नंबर है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। तो भाई अड़े मिला एक दो भाई से। भाई राम राम। राम राम भाई। और भाई ठीक ठाक है? बढ़िया। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। और सारे जमा बढ़िया? हां बढ़िया। कोरोना तो बच रहे हो? अच्छा, के कुछ कहना है? रणदीप जी से मिले हो नहीं अब तक? मिले हैं भाई। मिले हो? हां जी। अच्छा, के कुछ बातचीत हुई फिर भी? अभी तो मिले नहीं है, आएंगे जब मिलेंगे। अभी पहले मिले हैं। बकावर तुम ने पहले तो मिले हुए हैं। अच्छा अच्छा, पहले मिले हैं भाई। एक ताऊ जी खड़े हैं, उनसे बात कर ले वहाँ। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। राम राम। और जी कैसे हो जी? ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, जो आज इतना बड़ा उनको भार मिला है, पदभार मिला है, वैसे तो हमारे लिए हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि भाई हरियाणा में रणदीप जी को 6 नंबर पे कांग्रेस में सम्मिलित किया गया। वो कुकर भाषा में वो बिरानी मैंने आपका क्या कहना इस बारे में? भाई मैंने वही कांग्रेस पार्टी के खातर मेहनत बहुत करा है, और सबसे बड़ी बात इसमें किसान और मजदूर के लिए भी मेहनत करा है। क्योंकि पीछे तो इसका दादा का राज था जद पौवा गैंग सब की कवैश ने, दुष्यंत चौटाला का दादा राज था, जब भी किसान ना भाई इतनी लाठी भिजवाई रही भी इसका गला बीजेपी का पुंदर पकड़ गया। एक तो 75 पार, एक जमुना पार, वह कट्ठे होकर है मेरे खड़े ने किए किसान कर दिए जमुना पार हैं। ये माँ में इस तास ले रहे हैं भाई, मारे जो केस का सो है लठबाद है हमारा ऊपर, जो से सारे केस ही सो पर लड़वावांगे। पाछा भी चौधरी का श्रीराम नैन पे देश दरोगा मुकदमा दर्ज करा दिया था इंदी बागड़िया ने, और उस टाइम भी सारे के सारे केस इसने फ्री के फ्री लड़े थे
कोई भी किसान पता एक पांच पीछे भी लिए थे और यू किसाना का भी मजदूरों का भी छोटे व्यापारी दुकानदारा का बड़े बड़े बगू बिल्लियां का तो साथी है को नहीं हो वहां तो उसे वहां डाणी पडाणी है और उनका तो साथी नहीं यार ये जो से छोटे छोटे से है ना दुकानदार व्यापारी इनका भी साथी है किसान मजदूर का सबसे पहला साथी है। हम तो किसान हाँ भाई न्यू सोचा इसका गला लैक है लव ऐसी लैक है अपने केस लड़ता रहा हमारे क्या बात है सही बात है ठीक बात है। राम राम जी राम राम और जी ठीक हो इसराइल रा हाँ जी ठीक है ना ना अच्छा चलो भाई और कौन बतलाना चाहो जी कि मैं राम राम तू राम तब ठीक ठाक है। अरे तब के लगा है रणदीप इतना बड़ा कुछ मिल गया उसने रणदीप जिया ने तो इब के लगा है आगे 2024 में क्यों होगा आगे तो फिर मुख्यमंत्री का दावेदार होगा और क्यों होगा थके कांग्रेस में तो घने दावेदार है यू होगा कल दल ने तो न्यू रह जाए करें अच्छा 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 ठीक बात है चलो भाई आगे अंदर चल के ले दो चार हैं उन तक बात कर लिया। राम राम बाबू जी और जी ठीक हो बहुत बढ़िया। अच्छा के कुछ कहना है इतना बड़ा खुशी की बात है रणदीप जी ने इतना बड़ा पदभार मिला हरियाणा के अंदर जी एक ही तो दीप है रणदीप है तो कांग्रेस पार्टी जग भी दीप है जगदीप जग भी नाम जगदीप है बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया तो आपको देखते रहते हैं हम कई बार धन्यवाद जी। आज तो खूब भीड़ हो रही है भीड़ रोज रहे है उरे तो भीड़ तो जो काम करने वाला आदमी है उसके साथ तो रहेंगे लोग सही बात है सवाल कर बोल के जितने कहना था। अच्छा जो अगर 2024 का इलेक्शन है दो चार साल पड़े हैं फिर भी उस बाबत के लग है बाबत तो देखिए मेहनत कर रहा है रणदीप और पूरी पार्टी कांग्रेस सत्ता में आएगी कोई शक की बात है ही नहीं क्योंकि देख लिया इस सरकार को हर आदमी दुखी है कोई भी तबका है वो सारे दुखी हैं। सही बात है तो मैं तो यही चाहूंगा भाई कांग्रेस पार्टी यानी कि ये लोग तो बेच देंगे इस देश को सच्चाई तो ये है कि भाई सारी चीज का निजीकरण देश निजीकरण की तरफ बढ़ा दिया है अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत की थी और इन्होंने तो हद कर दी 23-24 जो डिपार्टमेंट है वो सारे तो निजीकरण में ले गए। चलो ठीक है ताऊ जी ठीक है धन्यवाद। अरे भाई यूं कारे बन के मेरी आदत है कदे सोचो मैं भी यही बात कहूँ कदे दूसरी सरकार सोचा जगदीप नु हाको है तब ठीक ठाक है। हाँ बढ़िया जी बढ़िया तब क्या कहना है रणदीप सुरजेवाला बाबत भाई आज रणदीप जी को कर्नाटका का वो प्रभारी और सेंटर में कांग्रेस के महासचिव चुने जाने पर यहाँ बधाई देने के लिए आए हैं जो कैथल जिले की नहीं बाहर से भी दुनिया हरियाणा के बहुत से नेता लोग आजकल के युवा है वो आ रहे हैं भाई साहब का स्वागत करने के लिए। तो आप भी आगे हम भी आगे जी वाँ जी वाँ वाँ उसी कड़ी में हम भी आए हुए हैं हमारे साथियों समेत जी। आपका क्या कहना भाजी हमारे नेता तो मतलब ईरा आदमी है आप शहर में रहते होंगे जी तो देख लो किस तरह चमकार क्या है हमारा शहर हर काम कराया आज तक दूसरे पार्टी वाले ने एक टंकी भी को नहीं लाई सड़क पर है जी तो आने वाले टाइम में हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे रणदीप जी 2024 में। हाँ जी वाह जी। तो भाई ये छोटा सा एक सर्वे सा करा है सर्वे तो खैर के घर में बैठे हैं सारे बताना लग रहे हैं और यह एक छोटी सी वीडियो बनाई है आपने वीडियो किसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दियो भाई ये सारी राय इनकी है मेरी नहीं है। धन्यवाद जय हिंद भारत माता की जय।